जो कल सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के ऊपर गोबर फेंका करते थे, वही लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। इसी बात को घर घर समझा दीजिए तो अपने आप दुश्मन पहचान में आ जाएगा। महाभारत काल में इंटरनेट था, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थी और तमाम तरह के युद्ध आकाश में उड़न खटोला चला करता था। अरे जमुनों, जब तुम दुनिया में इतने वैज्ञानिक थे तो आज तुम्हारे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक कपड़ा, हाथ की मोबाइल, तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तमाम चीजें जो बेडरूम से लेकर के चौराहे तक इस्तेमाल करते हो, उसमें से एक बता दो जो तुम्हारे धर्म की किताबों की शोध से निकला है और तुम्हारे घर में बना हुआ। सारा विदेशी फैक्ट्री और विज्ञान का लाभ लेते हो और कहते हो हमारे धर्म में विज्ञान था, गोबर में विज्ञान था। मैं सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में गौतम बुद्ध की जगह कहां है? मैं सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कबीर की, रैदास की, नानक की, पलटू दादू भीखा की, नारायण गुरु की, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की, ज्योतिबा फूले की, शाहू जी महाराज की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम की जगह कहां है? अगर इन सब के बिना कोई भी हिंदू राष्ट्र है तो हम उस हिंदू राष्ट्र को नकारते हैं और कभी इस राष्ट्र को बदलने नहीं। किस बात की संस्कृति की बात करते हो? कब्र से उठा करके बलात्कार करने का बयान दिया था उसने, उसी को लोग योगी कहते थे। आज पहली बार उसके जिले में आया हूं और यह बात कह के जा रहा हूं कि वो योगी नहीं धोखी है, क्योंकि कबीर पंथी पहले लिख चुके थे, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो ले बकरा। जिस दिन ये तर्क करने लगे कि कोई छोटा सा बच्चा सूरज कैसे निकल सकता है भाई, और यह हमारे धर्म की किताबों में लिख दिया, दुनिया भर में मनुष्य के पैदा होने का एक तरीका है और आपके यहां कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंगे से पैदा हो रहा है। जब पीढ़ियां अपनी मूर्खता की बनाई है तो लोग गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। लगाए यूएपीएम, मैं तो ये चुटकुला सुनाते रहूंगा और गोरखपुर में सुना रहा हूं, लगाए यूएपीएम। हमारे पुल के बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, इनके आकाओं से नहीं डरे तो हम लोग क्या इनसे डरेंगे क्या, और इनसे डर करके झूठ बोलेंगे? यह मेरे हिसाब से, यह मेरे अब तक के जीवन में पहली ऐसी गोष्ठी है, बैठक है, जिसमें मूल रूप से शिक्षकों के बीच में शिक्षा की बात हो। अमूमन हम लोगों को बुलाया जाता है जो अकादमिक जगत में है, सेमिनार, बहस, गोष्ठियां, वो अलग है, लेकिन बाहर लोगों को समझाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, तो इस लिहाज से ये गोष्ठी आज की हम जैसे लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, जो शिक्षक होकर के शिक्षकों के सामने अपनी बात रखने के लिए आए। आप लोगों ने यह चुनौती मेरे माथे मढ़ दी है, मैं इसे स्वीकार करके कुछ ही बातें आपके बीच में साझा करूंगा। ये जोखिम उठाया गया है आपके द्वारा, और एक नहीं कई जोखिम आपने उठाया। पहला जोखिम, आपने संगठन बनाया है जोड़ने का, एससी, एसटी, ओबीसी, और मैं माइनॉरिटी नहीं कहूंगा, पसमांदा कहूंगा, इन सारे लोगों को जोड़ने का जोखिम उठाया, क्योंकि जब सियासत से लेकर के समाज में सब कुछ तोड़ने पर कोशिश की जा रही हो, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, और उससे वह आगे बढ़ करके आपने शिक्षकों के सम्मेलन में, जो आपका वार्षिक अधिवेशन है, इसमें दो लोगों को वक्ता के तौर पर चुना, अली अनवर जी हैं, और इनके बोलने के बाद मैं इनके बारे में कुछ कहूं तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि आपको परिचय मिल चुका है कि हम लोग दिल्ली में बैठ करके चाहे बेरोजगारी का आंदोलन 2015-16 में चला रहे थे, तब पहली बार सर से मिलने इनके घर पर गए थे, और तब आप सांसद हुआ करते थे,
और इतना खुश होकर के हमसे मिले कि पहली बार कोई इस तरह का सवाल लेकर हमारे बीच में आया है, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर कराने वाले और प्रमोशन कराने वाले नेता नहीं है, हम लोग आंदोलन जीवी नेता। और ये बात उन्होंने तब कही थी, और उसके बाद से तमाम आंदोलन जो दिल्ली में होते रहे, लगातार आपसे मिलने का और आपके साथ साझा आंदोलनों में शरीक होने का हम लोगों को मौका मिलता रहा। और उन्हें बुलाया तो उन्होंने जो बात कही है वो क्या किसी चुनौती से कम है क्या? जो बात कह के जा रहे हैं, मुझे सबसे मौजू एक नारा लगता है पसमांदा आंदोलन का कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो ये काम उन्होंने यहां पर किया है और इसके लिए आपका आभार, आयोजकों का आभार, राम प्रताप जी का आभार जिन्होंने इस तरह की गोष्ठी आयोजित की है और मुझे भी यहां पर आमंत्रित किया। तो आप चुनौतियां तो पहले ही मोल ले चुके हैं, बिना खाना खाए 4 बज गया है। और मुख्य वक्ता होने का फायदा यह होता है कि सब जो आपको बोलना होता है वो पूर्व के वक्ता बोल चुके होते हैं, और नुकसान ये होता है कि अब लोग घड़ी देख रहे होते हैं कि जल्दी से मुखातिब हुआ जाए भोजन की तरफ। बहरहाल, हम ऐसे ही सेमिनार कर सके, ऐसी बातचीत कर सके, इसके मौके बचे रहे, इसलिए बहुत बड़े सवालों को उठाना जरूरी है, उन सवालों को जिनसे हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। शिक्षा और रोजगार का सवाल, क्योंकि जिन्हें मौका ही नहीं मिला एक अच्छी तालीम पाने का, वो लोग जब सियासतदान बन करके सत्ता की कुर्सियों पर बैठे तो उन्होंने सबसे ज्यादा हमला जिस एक चीज पर किया है वो है आपके बच्चों की तालीम। क्योंकि वो लोग जो खुद विश्वविद्यालय नहीं गए, अच्छे स्कूल में नहीं गए, सियासत करते करते उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि उनकी अज्ञानता और मूर्खता को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो एक शिक्षित व्यक्ति हो सकता है, इसलिए शिक्षा को बर्बाद कर दिया। इसलिए वो स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विरोधी लोग हैं और हम शिक्षक लोग हैं। अब तय आपको करना है कि जिम्मेदारी किसके क्या है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं कि इस देश में बाबा साहब के संविधान को कैसे ध्वस्त किया जाए और फिर से गुरुकुल वाली मनुस्मृति को कैसे लागू किया जाए, वो पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। जिन लोगों के जिंदगी की कोई नहीं थी और इस भारत के संविधान ने उनकी जिंदगी को अहमियत और कीमत बख्शी, अब जिम्मेदारी उनकी है, इम्तिहान उनका है कि वो अपने लिए जो हक हुकूक मिला है, जिस किताब के जरिए मिला, उस किताब की कितने रक्षा कर पाते हैं। तो ये लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है और इस बात को अगर शिक्षक समुदाय नहीं समझता है तो इस पूरे समाज के साथ वो घात कर रहा है। मैं तो आपके इस मांग पत्र में जो लगभग 15-16 मांग है, आपका एजेंडा है, मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और पहली सूचना यह दे रहा हूं कि आपके एजेंडे में 6वां बिंदु है, तदर्थ शिक्षकों का अद्यतन विनियमितीकरण किया जाए। एक तो सरकारी हिंदी लिखे हैं आप, मुश्किल हो जाएगा घर तक पहुंचाना, इसको कौन जाने की भाषा में लिखा जाए भाई। जो टेम्परेरी है उनको परमानेंट कर दो, जो अस्थाई है उनको स्थाई कर दिया जाए। अब मैं वो बात कह रहा हूं कि 12 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूं। बस ये है कि हमने कभी कबूल नहीं किया, क्योंकि हम चुप हो जाते तो शायद परमानेंट हो गए होते। एक शेर है कि हमारे साथ जो रहते तो संदल हो गए होते, अगर लहजा बदलते तो सिकंदर हो गए होते। लेकिन हमने कबूल नहीं किया कि हम लहजा बदलें और हम आज भी टेम्पररी प्रोफेसर हैं।
आपकी मोहब्बत, आपकी आपका ये सम्मान है जो आप इस तरह की गोष्ठियों में बुला करके दिल्ली विश्वविद्यालय के 10,000 से ज्यादा प्रोफेसरों के ऊपर एक नजीर के रूप में पेश करते हैं कि है प्रोफेसर बहुत सारे, बहुत परमानेंट हैं, करोड़ों के घर भी हैं, गाड़ियां भी हैं, लेकिन शायद जो इज्जत मुझे मिल रही है वो उन्हें नहीं मिल रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी अच्छी मांग की आपने कि इनको परमानेंट कर दिया जाए, और तो और इसी मांग पत्र के 10वें बिंदु में आपने कहा है कि प्रधानाचार्य जो टेम्पररी है उनको भी परमानेंट कर दिया जाए, तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण किया जाए। अब मैं उस सवाल पर आता हूं कि राष्ट्र होने का मतलब क्या है। राष्ट्र होने का मतलब यह नहीं है कि भूगोल को आप एक देश कहते हैं, यहां रहने वाले सारे लोग क्या एक देश है। बाबा साहब ने कहा था, और मैं बाबा साहब की बात जब करता हूं तो पूजने के लिए नहीं, पढ़ने और लड़ने की ताकत के लिए करता हूं, क्योंकि आज हम जहां हैं उसके पीछे अगर कोई बड़ी वजह है, कोई मूल वजह है, तो वह ये दो किताबें हैं जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं और यह बात हर गोष्ठी में बोलता हूं। अगर भारत का संविधान और मंडल कमीशन न लागू हुआ होता तो आज जैसे हमारे पुरखे गाय भैंस चराते हुए खप गए वैसे हम भी खप गए होते, हमें पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए मंडल कमीशन और भारत के संविधान की वजह से हम, और इसलिए यह बात हम कहने के लिए जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि अगर यह बात जनता तक नहीं जाएगी तो आप समझाते रह जाइए कि संविधान खतरे में, वो कभी नहीं जागेंगे। हम फेल हुए इस बात को समझाने में कि संविधान का मतलब क्या है, इसीलिए आज हम फेल हैं यह समझाने में कि संविधान खतरे में है तो तुम्हारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। इतनी सी चुनौती है बस। जिस दिन हम संविधान का मतलब समझा दिए होते हमें लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि संविधान खतरे में उठो और चलो लड़ाई करने उसके। तो मुल्क बनता कैसे है? मुल्क साझा खुशी और साझा गम से बनता है, और उस साझा खुशी और गम को इस मुल्क में बनने नहीं दिया गया, क्योंकि यह मुल्क बहुत पहले से इंसान इंसान को अलग करके बांट चुका था, और बांटने के बाद कुछ लोगों ने सब लोगों का हक छीन लिया और खुद को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। इसलिए इस देश में शिक्षा का अधिकार किसको मिला था? उन्हीं लोगों को जिन्होंने सबका हक छीन लिया था। इस देश के वंचित शोषित कमेरा लोग जिसे मूल निवासी कहते हैं, कामगार कृषक जातियां, हस्तशिल्प कामगार जातियां और मूल निवासी जो लोग हैं उनके ऊपर थोड़े से लोग बैठ करके उन्होंने शिक्षा का अधिकार आपके हाथों से छीन लिया। क्यों शिक्षा का अधिकार छीन लिया? इसको अगर किसी एक दार्शनिक ने सबसे पहले समझाया तो वो थे महात्मा ज्योतिबा फूले। उन्होंने कहा आपको मानसिक तौर पर गुलाम बनाना था, इसलिए सबसे पहले आपके हाथ से शिक्षा छीन ली। और उन्होंने तो एक किताब लिखी गुलामगिरी, और उसका मूल मोजू यह है कि अगर गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। आज शिक्षक समूहों के बीच में इस बात को पूरी पुख्ता तरीके से कहना जरूरी है कि हमने भी शिक्षा की अहमियत नहीं समझी, और हम यह बात जनता तक समझा ही नहीं पाए। हम मुझे याद आता है सर, हम लोग पहले के समय में जब शिक्षा पाने जाते थे तो रुतबा इस बात का हुआ करता था कि लोग अपनी जगह जमीन गिरवी रख करके शान शौकत से अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते थे। आप हम विश्वविद्यालय से लौट के आते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लौट के मैं घर जाता था तो एक अलग नजर से लोग देखते थे कि उनका लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा या किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, या बीएड कर रहा है, एमएड कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। आज शिक्षा की अहमियत को ही खत्म कर दिया गया है। आप कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो या कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, एक प्रॉपर्टी डीलर आपके बगल में आएगा, चार जमीन का कट्टा का डील फाइनल कर लेगा और पांचवें दिन फॉर्च्यूनर लेके उसी गांव में गर्दा घुमाने हो जाएगा, और मास्टर साहब बैठे रह जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। समाज बदल गया और अब शिक्षा की कोई अहमियत नहीं रहेगी। कोई जगह जमीन गिरवी रख करके कोई शिक्षा देने के लिए आपको भेजे,
1880 और 90 का दौर था जब हंटर कमीशन भारत में आया था और शिक्षा के लिए वो तमाम लोगों की काम कर रहा था। उस समय ज्योतिबा फूले उनके सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि किसानों और शिक्षा दो सवालों पर उन्होंने काम किया था। पहला उन्होंने कहा कि वो किसान के कपड़े में, फटे पुराने कपड़े में चले गए तो वहां दरबार ने रोक लिया, कहा कि आप कहां आ रहे हो, तो बड़े लोगों का सम्मेलन है। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि ये तो ज्योतिबा फूले आने, तो इनको ये कैसा कपड़ा पहन लिया आपने। तो ड्यूक कनाट के ड्यूक के सामने जब उसने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ लोग आपको बताने हैं कि इस देश में किसान कैसे हो, किसानों की समस्या कैसी है, जिनका किसानी से कोई वास्ता ही नहीं। मैं किसानों का कपड़ा पहनकर इसलिए आया हूं ताकि आपको यह एहसास हो कि इस देश के गांव कस्बों में ये रहने वाले किसान है, उनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए खाना नहीं है, उनकी हालत वैसी नहीं है जैसे ये भरे पेट वाले और पूरा कपड़ा पहने हुए लोग आपको बता रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कपड़ा पहन के आया। और तब उन्होंने कहा कि किसानों की मुक्ति किस एक चीज से होगी, शिक्षा से। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की मुक्ति किस एक चीज होगी, शिक्षा से। इसीलिए उन्होंने स्कूल खोला और महिलाओं को उस स्कूल में भागीदारी के लिए लड़कियों का स्कूल खोला। आप अन्यथा न ले, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि इस सम्मेलन में आकर के मुझे लगा कि केवल मास्टर या प्रोफेसर या प्रवक्ता होने का मतलब है पुरुष, क्योंकि इस पूरे परिसर में केवल दो चार महिलाएं बैठी हुई हैं, बाकी महिलाएं हमारे समाज की कहां हैं। यह सवाल पूछना खुद से जरूरी है, क्योंकि हमने अपने घर की महिलाओं को कभी बराबरी का हक नहीं दिया। और जब ज्योतिबा फूले की बात होती है तो आपको भी एहसास है कि सावित्रीबाई फूले के बिना वो बात अधूरी है, क्योंकि शिक्षा की क्रांति जगाने वाला अगर कोई एक दंपति का जोड़ा उस देश में था जिसने मुक्ति दी, वो ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले थी। महिलाओं के बिना हर क्रांति अधूरी है, बिना महिलाओं के आपका यह सम्मेलन फेल है, मैं ये कह के जा रहा हूं। और यह बात चिंता की है, क्योंकि सच बात यह है कि जितने पुरुष हैं नौकरियों में उतनी महिलाएं नहीं है किसी भी समाज में, और खासकर इस देश में कभी कोई क्रांति नहीं हुई क्योंकि हमने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। और जब बात सावित्रीबाई फूले की हो और जब बोलना अली अनवर साहब के बाद हो, तो इस बात को पूरा पुख्ता तरीके से कहना जरूरी है कि आपके इतिहास में सावित्रीबाई फूले के साथ अगर कोई दूसरी महिला खड़ी थी तो वो थी फातिमा शेख, और ज्योतिबा फूले के साथ उस्मान शेख खड़े थे। और उस मुल्क में केवल नफरत का जहर बोया जा रहा, वो जहर नफरत का जहर इसलिए बोया जा रहा था क्योंकि आप अगर नफरत नहीं करेंगे, जैसे एक काम सोचिए, बच्चा अगर घर में खाली बैठा है तो वो मां से कुछ ना कुछ मांगेगा, वो कहेगा कि हमको चीनी दे दो, हमको गुड़ बना दो, हमको जो है आज ये रोटी खानी है, वो खानी है। उसी समय मां क्या करती है, एक खिलौना लाकर बच्चे को दे देती है और वो उलझ जाता है उस खिलौने में और भूल जाता है कि उसको भूख लगी थी। इस देश को चलाने वाले कुछ लोगों ने इस देश के 90% वंचितों, शोषितों को अगर उनको कोई काम नहीं देंगे तो वो अपना हक मांगेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझी कि आपको दंगाई बना दिया जाए, आपको नफरती बना दिया जाए, आपको आपस में तोड़ दिया जाए, आपस में लड़ते रहेंगे तो जो असली सवाल है उससे आप दूर रहेंगे। और इसलिए इस मुल्क में किया क्या गया कि जो मुल्क बनना था महात्मा बुद्ध से लेकर के, मैं गोरखपुर में बैठा हूं, यहां गोरख नाम पड़ा, गोरखनाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय से, और उस नाथ संप्रदाय की आज चर्चा किसके नाम से होती है। मैं जो बात कहने के लिए अब यूएपीए लगाया जा रहा है, और सोचिए इस मुल्क की हालत कैसी है कि अली अनवर साहब ने केवल इशारा किया था और उन्होंने कहा इसके आगे मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कब यूएपीए लग जाएगा। वो बात मैं पूरी
करूंगा कि इस देश में कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत केवल इसलिए फैलाई जा रही है कि इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी अपने शिक्षा और रोजगार जमीन पर हिस्सेदारी और तमाम तरह के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई में छेड़ दे, इसलिए इनको हिंदू मुस्लिम और दंगे मुलझाए रहो। इस बात को कहना जरूरी, हमारे बच्चों को दंगाई बना करके वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं और हमारे लिए स्कूल बर्बाद कर दिया। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि शिक्षा नीति में कोई बड़ा अच्छा बदलाव हुआ है। हमने दिल्ली में रह करके दर्जनों आंदोलन किए हैं कि नई शिक्षा नीति आपके बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली नीति है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और आपके एजेंडे के 16वें बिंदु से मैं पूरी सहमति दर्ज करता हूं कि इस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से वापस किया जाना चाहिए। क्यों वापस किया जाना चाहिए? मंगलू बनाम गुरहू कर देने से क्या उसका कल्याण हो जाएगा? क्या हम जिस देश जिस प्रदेश में है वहां नाम बदल के विकास किया जा रहा है? नाम बदल दो। मैं जिस जिले से आता हूं वहां जाकर के कहा जा रहा है कि आजमगढ़ का नाम बदलना चाहिए। इस मुल्क की साझा शहादत से बनी साझा विरासत में और अली अकबर साहब ने जो खाका खींचा, एक लाई मोची कुमार लोहार बढ़ई मौर्या कुशवाहा पटेल और आहिर से लेकर के तमाम जातियां एक साथ, कहीं दलित में पिछड़े में आदिवासी में हिंदू है तो कहीं मुसलमान है, उस देश में तुम नाम बदल करके सोच रहे हो कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस पीढ़ियों को लड़ा दोगे और तुम अपनी कुर्सी पर कायम रहोगे? ये क्यों नाम बदलने की सियासत की जा रही है? क्योंकि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है और इसीलिए नई शिक्षा नीति लागू हुई है। कुछ भी मैया नहीं है इस शिक्षा नीति में। दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं फिर इसके आगे बात कहूंगा। इस नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को तीन ग्रेड में बांटा गया, ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए। भारत में जातियों को चार प्रकार के वर्ण में बांटा गया था, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। मैं तो तुलना कर रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं समझ जाएंगे। ग्रेड सी के विश्वविद्यालय या कॉलेज वो होंगे जिनको पूरा पैसा सरकार देगी, जिसकी फीस कम होगी, लेकिन जिसके ऊपर यह शर्त थोपी गई है कि 5 साल से 10 साल के बीच में अपना ग्रेड बढ़ाओ और ग्रेड बी में जाओ। ग्रेड बी के विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज वो होंगे जिनको आधा पैसा सरकार देगी, आधा पैसा उनको खुद अपना जुटान करना होगा और उनको यह कहा जाएगा कि कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स खोल सकते हैं, कोई भी ऐसा काम करो जिससे आय तुम्हें मिले, हम आधा पैसा ही तुम्हें देंगे और आधा तुमको ग्रेड बी के रूप में रखेंगे और तुमको ग्रेडेड ऑटोनॉमी देंगे। और ग्रेड ए के विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज वो होंगे जिनको एक भी रुपया सरकार नहीं देगी, वो सारा पैसा अपना खुद जनरेट करेंगे। इसका मतलब कि ग्रेड सी में बीए करने की फीस अगर 1,000 है तो ग्रेड बी में 1,00,000 होगी और ग्रेड ए में 10,00,000 फीस होगी। और ग्रेड सी में किसके बच्चे पढ़ेंगे, ग्रेड ए में किसके बच्चे पढ़ेंगे, ग्रेड सी में कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा, ग्रेड ए में कौन सा कोर्स पढ़ाया जाएगा, ग्रेड सी का विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज किसके जिले में खोलेगा और ग्रेड ए का विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज किसके जिले में। अब क्या आपको दोनों समझने में आसानी नहीं हो रही कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी इस देश में वापस मनुस्मृति को लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। इस बात को घर घर जाकर के समझाइए वरना आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा खत्म। ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि अब सरकार आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा खर्च नहीं करने वाली। आसान भाषा में तुम चाहे उसको 3+5+4+3 कर दो, उससे क्या शिक्षा का स्तर बदल जाएगा? ये जो कॉलेजों और स्कूलों के नाम के आगे लिखा हुआ है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, और तुमने स्कूलों से लेकर के विश्वविद्यालयों को क्या बना दिया, चापलूसार्थ आइए और मेवार्थ जाइए। अब इस देश के विश्वविद्यालयों में केवल चापलूसी हो रही है और जाओ मलाई खाओ, जो जितना अच्छा चापलूसी करेगा उसको प्रोफेसर बना देंगे, उसको जो है डीन बना देंगे, उसको रजिस्ट्रार बना देंगे। आप लोगों के हमें तो तमाम पद ऐसे होंगे ना कि थोड़ा सा चापलूसी करिए तो सरकारी पद मिल जाएगा, थोड़ा सा चापलूसी करिए तो वेतन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा चापलूसी करिए तो आप किसी और बड़े पद पर पहुंच जाएंगे। ये सब इसीलिए किया गया है कि आपके बीच से मानवर कांशीराम कहते थे चमचों को पैदा किया जाए। ये बात कड़वी है
लेकिन कहनी जरूरी है कि पूरी नई शिक्षा नीति चमचों को और गुलामों को पैदा करने के लिए लाया गया है, और उसमें कौशल विकास के नाम पर क्या कहा गया है। इस देश का प्रधानमंत्री जब भाषण देता है तो कहता है कि हम बढ़ई को बढ़ई का हुनर देंगे, कुम्हार को कुम्हारी का हुनर देंगे, मोची को मोची होने का हुनर देंगे, हम इस देश के मल्लाहों को नाव चलाने का हुनर देंगे, इस खेत में काम करने वालों को खेती का हुनर देंगे, स्किल डेवलपमेंट नाम पे। इस देश के निजाम को क्या ये पता नहीं है कि इस धरती को रहने लायक बनाने वालों के पास इतना हुनर था कि उन्होंने इस धरती को रहने लायक बना दिया, तुम उन्हें हुनर देने की बात करते हो? एक कुमार लोहार भाई नई मोची को हुनर देंगे? अब दूसरी बात, अगर पंचर जोड़ने का, टोटी बनाने का कुम्हार लोहार का हुनर अगर दिया जाएगा तो क्या वो ब्राह्मण अपने बेटे को भेजेगा वो हुनर लेने के लिए? ये हुनर किसको दिया जाएगा जिसके पास पहले से ये हुनर था? लेकिन इस देश के कुम्हार लोहार बढ़ई नाई मोची निषाद मल्ला भर तमाम जातियों ने अगर जगह जमीन गिरवी रखा, अपने घर पर पेंटिंग कर एक साल नहीं कराई, दो कपड़े में से एक कपड़े में काम चलाया तो इसलिए कि दो रुपया बचे तो अपने घर के बेटा बेटी को पढ़ने भेज दे ताकि उनके पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदल दे, और तुम वापस उन्हें स्कूल और विश्वविद्यालय में उनके पेशे में लगाना चाह रहे हो। इसलिए हम कह रहे हैं नई शिक्षा नीति इस देश को बर्बाद करने वाली नीति है, इसका मुखर विरोध कीजिए। इतनी सी आसान बात है और इस बात को यहां कहना जरूरी है, नई शिक्षा नीति को इसलिए लाया ताकि जब वो कहें कि गोबर से परमाणु हमले से भी बच जाओगे। अब मैं उस दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब क्या? वेद पुराण पढ़ना। एक किस्सा सुनाता हूं कि कबीर साहब एक बार कहीं गए हुए थे, उनके घर पे उनके बेटा बेटी थे, तो एक पंडित जी जिन्होंने भारत भर के तमाम प्रकांड विद्वानों को अपने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था, चारों लोक नौखंड का ज्ञान था उनको, सारा वेद पुराण जानते थे, उनकी मां कबीरपंथी थी, एक दिन अपनी मां के सामने गए और कहे अब मुझसे बड़ा विद्वान इस देश में कोई बचा नहीं है। तो उसकी मां ने कहा कि एक बिना पोथी पढ़ा हुआ एक विद्वान है, जिस दिन उसको तुम शास्त्रार्थ में हरा दोगे हम मान लेंगे तुम विद्वान। उसने सारा पोथी और ज्ञान एक बैल उस जमाने में हुआ करता था उसके ऊपर लादे और लेकर के कबीर साहब के दरवाजे पहुंच गए कि मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं। तो जो कबीर साहब के संतान थे उसने दोहा पढ़ा, इसी में आपको जवाब मिल जाएगा। जब उसने पूछा कि आप कौन, तो उन्होंने कहा बुलाओ कबीर को, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूं। सारा तो एक बैल पर क्या लाते हैं, तो वेद पुराण और सारी कथा भागवत पर ला के आया हूं, सारा ज्ञान लेके आया हूं। उसने दोहा पढ़ा, जन कबीर का शिखर घर बात सिलैली गैल, उस शिखर पर कबीर का निवास है जहां की राह बड़ी रत्तीली है। जन कबीर का शिखर घर बात सिलैली गैल, टांग टीके पिपीन का और पंडित लाते बैल, चींटी का तो पांव उस रास्ते पर टिक नहीं सकता और तुम बैल लेकर तुम उसे शास्त्रार्थ करने चलेंगे। और उस किस्से में आगे यह मोड़ आता है कि वो वापस चला जाता है, लेकिन उसको कबूल नहीं था कि मैं कैसे हार जाऊंगा। तमाम पाखंड करके उसने कबीर साहब को हरा दिया और एक चिट्ठी लिखी। ये किस्सा है, मैं उस किस्से और प्रतीक के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं। उसने कहा कि अब इस पन्ने पर लिखा है, मेरी मां मानेगी नहीं कि तुम हार गए, तुम जीत गए हो कबीर से। तो इस पन्ने पर उसने लिखा कि मैं जीता तुम हारे, और कहा नीचे अपना नाम लिख दीजिए तब मैं मां को दिखाऊंगा। और ऊपर उसने लिखवाया मैं जीता तुम हारे, ये बात खुद लिखी और कबीर साहब के सामने कर दिया कि आप नीचे साइन कर दीजिए। मां के सामने ले जाके दिखाता है और मां उसको पढ़ती है, तो उस पर्चे पर लिखा हुआ था मैं जीता तुम हारे कबीर। शिक्षा का अहमियत ये थी, और ये वापस गाय गोबर गोमूत्र में विज्ञान ढूंढने वाले नहीं चाहते कि आपके बच्चों को ऐसी तालीम मिले। जो पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उस ज्ञान की बात थी, तर्क था, विज्ञान था। काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं चुनाए, ताचर मुल्ला बाप दे क्या बहरा हुआ खुदा,
पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। रैदास साहब कहते हैं जाके सिर सब धो धोत है और जब फिरे बनारसी आस पाता, आचार सहित विप्र करे दंड होती तीन तले रविदास दासानुदासा। जिसके सामने ब्राह्मण झुक करके सलाम करता है उसके सामने रविदास तन करके चलता है, क्योंकि उसके पास शिक्षा और ज्ञान की ताकत थी। वो तो भक्ति मूवमेंट, और वो भक्ति मूवमेंट की पीढ़ियों को तुम सिखा रहे हो कि गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढो। मैं सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में गौतम बुद्ध की जगह कहां है? मैं सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कबीर की, रैदास की, नानक की, पलटू दादू भीखा की, नारायण गुरु की, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की, ज्योतिबा फुले की, शाहू जी महाराज की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशी राम की जगह कहां है? अगर इन सब के बिना कोई भी हिंदू राष्ट्र है तो हम उस हिंदू राष्ट्र को नकारते हैं और कभी इस राष्ट्र को बदलने नहीं। किस बात की संस्कृति की बात करते हो? तुम्हारी संस्कृति में जब दुनिया में विदेश में जाना होगा तो उस नमूने प्रधानमंत्री को बुद्ध याद आते हैं, और जब भारत में रहना होगा तो युद्ध आ करते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और पसमांदा पर दिन रात युद्ध चल रहा है इस देश में, हम गृह युद्ध के दौर में। इसलिए हमें फर्क पड़ना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन कौन से खतरे आ गए। हमारे ऊपर खतरे हैं कि हमारे बच्चों के हाथ से शिक्षा छीन ली जा रही, और कौन लोग छीन रहे हैं? जो कल सावित्री बाई फूले और फातिमा शेख के ऊपर गोबर फेंका करते थे, वही लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। इसी बात को घर घर समझा दीजिए तो अपने आप दुश्मन पहचान में आ जाएगा। ये गोबर में, गौमूत्र में विज्ञान ढूंढने वाले लोग कौन है भाई? ये वही लोग हैं कि जो नाली के गैस से चाय बनाते थे, जो आसमान में बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता था, महाभारत काल में इंटरनेट था, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थी, और तमाम तरह के युद्ध आकाश में उड़न खटोला चला करता था। अरे जनरो, जब तुम दुनिया में इतने वैज्ञानिक थे तो आज तुम्हारे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक कपड़ा, हाथ की मोबाइल, तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तमाम चीजें जो बेडरूम से लेकर के चौराहे तक इस्तेमाल करते हो, उसमें से एक बता दो जो तुम्हारे धर्म की किताबों की शोध से निकला है और तुम्हारे घर में बना हुआ। सारा विदेशी फैक्ट्री और विज्ञान का लाभ लेते हो और कहते हो हमारे धर्म में विज्ञान था, गोबर में विज्ञान था। इतनी सी तो बात है, और जो बात अली अनवर साहब नहीं कह सकते वो मैं कह सकता हूं उनके सामने, और यही भरोसा अपने आसपास के उन तमाम मूल निवासियों को भरोसा दिलाइए कि जब एक दलित पर हमला होगा तो एक पिछड़ा अगर नहीं खड़ा है तो कोई भी एका आप पोस्टर पर लिख दीजिए, यह एका शब्दों से नहीं बनती, आपके व्यवहार से बनती है। अगर एक दलित के सामने पिछड़ा नहीं खड़ा है कि लाठी लेकर अगर उस पर चोट करनी है तो पहले हम पर करो, एक आदिवासी के सामने अगर दलित नहीं खड़ा है, एक पसमांदा के सामने दलित पिछड़े सब मिलकर नहीं खड़ा है, महिलाओं के सामने पुरुष नहीं खड़ा है, तो किसी भी तरह की एका भाषणों से नहीं बनती। हम आए हैं, हम भाषण देंगे, दिल्ली का नाम लग गया है, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं इसलिए आपने मंच पर बिठाकर सम्मानित कर दिया। मैं ये बात जानता हूं कि मुझसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद लोग मेरे सामने बैठे होंगे, लेकिन अगर आपने मुझे बुलाया है तो ये कड़वी बातें कह लेने दीजिए, ताकि आप यहां से जाएं तो अपने घर के बेटा बेटियों की शिक्षा में फर्क न करें, और उनको भी जाकर के समझाएं कि टीवी पर रामायण नहीं देखना है, क्योंकि अगर टीवी पर रामायण देखा तो कल एक हिंदू धर्म बचाने वाला आएगा और कहेगा हिंदू खतरे में है, उसे बचाने जाना है। आपका बच्चा जो कल रामायण देख रहा था आज चला जाएगा हिंदू धर्म बचाने, राम मंदिर बनाने और नई शिक्षा नीति के नाम पर आपके बच्चे का हक छीन लिया जाएगा, आप उसे कभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपने उसे अपने इतिहास से नहीं जोड़ा और उसे ये झूठ से नहीं उसका पर्दाफाश होने दिया कि तुम्हें जो शिक्षा दी जा रही है तुम्हें मूर्ख बनाने की शिक्षा दी जा रही है। और हमें जिस विरासत की हम बात करते हैं उस विरासत में तो तर्क और विवेक था। तथागत बुद्ध तर्क का नाम है, तथागत बुद्ध सत्य और अहिंसा का नाम है। वो तर्क करते थे और उस तर्क के सामने आज मूर्खता को प्रसिद्ध किया जा रहा है और शिक्षा बर्बाद कर दी जा रही है। और इस शिक्षा में जो बात वो कहते थे कि अब वैदिक विज्ञान खोजेंगे गणित में, अब वेदों में विज्ञान खोजा जा रहा है,
इसलिए बचना जरूरी है, क्योंकि हमारे पीछे तो तमाम लोग थे जिन्होंने काम इतना किया कि हम आज यहां खड़े हो सकते हैं, हिम्मत से बोल सकते हैं। लेकिन एक बात कहके जा रहा हूं, याद रखिएगा, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब इस देश के संविधान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, बावजूद इसके संविधान लागू रहेगा, जब इस देश में जमहूरियत को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, फिर भी इमरजेंसी की घोषणा नहीं होगी, जब इस देश में तर्क विवेक बुद्धि सब भ्रष्ट कर दी जाएगी और केवल मूर्खता का आलम रहेगा, और उस दिन आपका बच्चा आपसे जब पूछेगा कि आपके सामने जब यह सब किया जा रहा था, उस समय हमारी नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा पर बात की थी, मेगा स्कूल खोला जा रहा नई शिक्षा नीति में, तमाम प्राइमरी स्कूल जो चौराहे पर थे, गांव के बगल में स्कूल हो तब बच्चा जाएगा पढ़ने, आज सरकारी स्कूल में किसके घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो मिड डे मील के आकर्षण में जा रहे, जिनके घर दो वक्त का खाना नहीं, आपकी जेब से सब कुछ छीन लिया गया और आपको मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया गया, और आप कहते हैं कि हिंदू धर्म बचाने के लिए हमें इस बार तो उन्हीं को वोट देना है। और वो मुफ्त का मतलब क्या होता है, आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मुफ्त शिक्षा, मुफ्त कोई शब्द नहीं है, निःशुल्क शब्द होता है। मुफ्त खोरों को तो पता ही नहीं, जो कहते हैं कि 2014 में आजादी मिली, उसके पहले की आजादी तो भीख में मिली थी, जिसका जिक्र अली अनवर साहब कर चुके हैं, तो उनके लिए हम लिख रहे हैं कि मुफ्त कुछ नहीं होता, निःशुल्क होता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यह थी, बाबा साहब के सपनों का संविधान ये लागू करने के लिए जब एक ख्वाब देखा गया तो उसका मतलब यह था कि शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य ये कल्याणकारी राज्य में ऐसे होंगे जिसके लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी की जेब में अगर 1 रुपया है या नहीं है, कोई करोड़पति की संतान है या गरीब की संतान है, इससे तय नहीं होगा कि उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप इस मुल्क को कहां लेंगे, अब आपकी जेब तय करेगी कि आपके बच्चों को शिक्षा के पैदा होते ही मुस्तकबिल लिख दिया गया है, गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, दलित पिछड़े आदिवासी घर में बच्चा पैदा हो गया तो कभी वो आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता। गया जमाना वो कि लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके अखबार बेच करके और तमाम मजदूरी करके, आप लोगों में से तमाम लोग संघर्ष करके यहां बैठे होंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, क्या आज कोई बच्चा अगर दिन भर मजदूरी करे और रात भर पढ़ाई करे तब वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा क्या? अपवाद तो हर दौर में रहे, लेकिन अब यह तय नहीं हो गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन किसका होगा, जेएनयू में एडमिशन किसका होगा, और विश्वविद्यालयों और तमाम जगह में एडमिशन नहीं होगा तो आपके बच्चों का भविष्य क्या है, और नौकरी बर्बाद कर दी गई, तो हमला किस पर किया गया, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय पर। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर आता हूं, हमारे यहां आधा विश्वविद्यालय टेम्परेरी गेस्ट प्रोफेसर पर है, परमानेंट नहीं होना, जो चाहते हैं कि इस देश में परमानेंट टीचर ना हो, परमानेंट प्रिंसिपल ना हो, परमानेंट वकील तमाम जज ना हो, परमानेंट एम्प्लॉयज ना हो, वो चाहते हैं कि इस देश में परमानेंट प्रधानमंत्री, परमानेंट मुख्यमंत्री हम ही बन जाएं, और चुनाव की भी जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही है फर्क। वो चुनाव तब तक करा रहे हैं जब तक आपको भ्रम बचा हुआ है, और सब कुछ ठेके पर रख देंगे। आप या मैं तो अभी आधा सफर में हूं, आप वो लोग हैं जो शायद आखिरी पीढ़ी में हो जाएं जिनको परमानेंट नौकरी मिली हुई है। नई शिक्षा नीति ठेके पर शिक्षक रख करके विश्व गुरु बनने के धोखे का नाम है, इस बात को जाके घर घर बता दीजिए। ठेके पर प्रोफेसर और ठेके पर मास्टर रहेगा, और जब ठेके पर प्रोफेसर मास्टर रहेगा तो अचानक एक दिन जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन में, मोबाइल पर क्लास आ जाएगी, बच्चा घर में बैठ के पढ़ लेगा, और फिर मैं सवाल पूछूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या दलित पिछड़े आदिवासियों के घरों में मोबाइल है क्या? एक 4 कमरे का घर है क्या जहां 4 बच्चे अलग अलग समय पर अलग अलग पढ़ाई कर सके? मेरी अपनी क्लास में 50 बच्चों में से ऑनलाइन टीचिंग में 5 बच्चे आते, और इस बात को कहना जरूरी है कि वो जो बच्चे नहीं आते वो सब दलित पिछड़े आदिवासी घरों के बच्चे हैं जिनके घरों में मोबाइल नहीं है, वो पढ़ाई क्या करेंगे? इसलिए जो शिक्षा पर संकट की बात आप कर रहे हैं ना, ये संकट गहराता जा रहा है या आ गया है ऐसा नहीं है,
ये संकट आ चुका है और कड़वी बात यह भी है कि अब इस संकट को आने से आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग लड़ना भूल गए। अब यह आ गया, शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सब कुछ तबाह हो गया। मेरे अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में, तमाम छात्र जेल में, और जो विश्वविद्यालय लड़ सकते थे उनको भीतर से खोखला करके संघी चापलूसों को वहां पर वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। क्या इस देश में किसी से छिपा है क्या कि वाइस चांसलर से लेकर के तमाम पदों पर किसकी नियुक्ति होती है? हाफ पैंट पहन करके नमस्ते सदावस्तले आर्यावर्त जम्बू द्वीप पर भारत खंडे कर दिए और आप कल प्रोफेसर वाइस चांसलर बन जाएंगे। यही बात कह रहा हूं, इसलिए 10,000 शिक्षकों में से आपने मुझे चुना है यहां बुलाने के लिए, लेकिन कब तक कह पाऊंगा ये मुझे भी पता नहीं। इसलिए आज ही इस लड़ाई का आगाज करना होगा कि अगर शिक्षा नहीं बची तो इस देश में आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल आप नहीं बचा पाएंगे। हमारे पुरखे मंदिर के लिए लड़े थे क्या? हमारे पुरखे भगवान के लिए लड़े थे क्या? वो शिक्षा के लिए लड़े और हम अपनी आंखों से शिक्षा बर्बाद होती हुई देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं। इसलिए हम संगठनों में, गुटों में, तमाम लोगों में, दलित पिछड़ा आदिवासी में सब आपस में लड़े जा रहे हैं। 95 साल से एक संगठन एक है और वो आज पूरे देश में ये बता के समझाने में कामयाब है कि 85% हिंदू होने के बाद भी हिंदू खतरे में। ये सवाल जो कह करके आम लोगों को समझाना है, विद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं और शौचालय की बात की जा रही है, देवालय के नाम पर देश भर के लोगों को लड़ाया जा रहा है, शौचालय के नाम पर भटकाया जा रहा है, गौशालय के नाम पर भरमाया जा रहा है और विद्यालय पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। यही इस देश में इस समय हो रहा है। अब विद्यालय के नाम पर कौन लड़ता है? ये भजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी क्यों नहीं कभी लड़ने आई कि इस देश में सबको शिक्षा, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, जो आपके एजेंडे में यहां पर बात हुई? और हम बहुजन लोगों के लोग किस बात के लिए लड़ते थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था कि संत सोपान ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सौ में साठ, उसको बाबू जगदेव प्रसाद ने आगे बढ़ा दिया। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अर्जन संघ से लेकर त्रिवेणी संघ के लोगों ने उसमें जुड़ा, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे नकाम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, निर्धन हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा दे न सके जो वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार। यही हमारी लड़ाई है। हम सामाजिक न्याय के लोग, हमारे पास तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब के संविधान की ताकत है, मंडल और कांशी नाम की ताकत है और 85% आवाम है हमारी। अगर हम इतनी सी बात इस देश के आम लोगों को नहीं समझा पाए कि तुम्हारी जातियों को आपस में लड़ाया, इस प्रदेश में अगर इनकाउंटर हुआ तो खुद को गोरखनाथ के पीठ का पीठाधीश्वर कहने वाले शख्स ने, जो केवल नफरती बयान देने के लिए इस देश में चर्चित था, कब्र से उठा करके बलात्कार करने का बयान दिया था उसने, उसी को लोग योगी कहते थे। आज पहली बार उसके जिले में आया हूं और यह बात कह के जा रहा हूं कि वो योगी नहीं धोखी है, क्योंकि कबीर पंथी पहले लिख चुके थे, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए बखरा। मैं कबीर साहब की बात कर रहा हूं। माला तो करने फिर है, जीव फिर मुखमाय, मनवा तो 34 फिर है, यह तो सुमरन नाम, यह दिखावा ढोंगियों के दौर में बाबा साहब के संविधान को आगे रख करके कहिए कि इन ढोंगियों को हम कभी अपना नेता और अपने बच्चों का भविष्य बनाने वाला नहीं चुनेंगे, हम इनके तख्त को बदलने के लिए काम करेंगे। ये सीधे सी बात है।
यह सीधी चुनौती आपको देनी होगी, क्योंकि विचारधारा की चुनौती। उन्होंने कभी हिंदू युवा वाहिनी से एक आंदोलन कराया हो कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो कहिए कि हिंदू युवा वाहिनी आपका संगठन है। उनके बजरंग दल के तमाम संगठनों ने, उनके तमाम हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने इस मुल्क में दंगा किया है, आंदोलन किया है, किसके नाम पर? मंदिर के नाम पर, कि आपके बच्चों के भविष्य के नाम पर। तो जिसने दंगा किया, मस्जिद गिराई और मंदिर बना करके वोट लेने की बात कर रहे हैं, उनकी रथ यात्रा में क्या रथ यात्रा आंदोलन नहीं था? और रथ यात्रा जहां जहां गए उससे एक एक कतरा लहूलुहान नहीं था? तो जिसका इतिहास रथ यात्रा से जुड़ता है, जिसका इतिहास गुजरात दंगे से जुड़ता है, जिसका इतिहास हिंदू मुस्लिम की नफरत से जुड़ता है, जिसका इतिहास दलित पिछड़े आदिवासियों को शोषण करने के बावजूद हिंदू बनाने के झूठ से जुड़ता है, वो लोग आपके बच्चों को एक समझाते हैं कि राम मंदिर बनाना है, चलो वहां आंदोलन करने, हिंदू खतरे में, उसे बचाने जाना है। उस दिन आप उसको रोक करके कहिए, जिस दिन आपने अपने बच्चों को फूले अंबेडकर पेरियार की शिक्षा दे दी, उस दिन आपका बच्चा उनको रोक करके कहेगा, हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में है, अगर कुछ है खतरे में तो संविधान खतरे में है। और भारत का संविधान शिक्षा रोजगार आपको दिया है ना, तो आपका बच्चा उनसे खड़ा होकर कहेगा कि हिंदू खतरे में नहीं है, ये नई शिक्षा नीति के नाम पर मेरी शिक्षा खतरे में है, उसे बचाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी एक आंदोलन कर दे। 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई, नव उदारवादी नीतियों ने इस देश के कमेरा जाति के लोगों से बिजनेस व्यापार छीन लिया और उनको बेरोजगार कर दिया। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगार किन किन लोग? इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के लोग। तो आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना और अपना बच्चा अगर अमित शाह का बेटा जैसा हुआ तो कभी जीवन में क्रिकेट नहीं खेला और बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा, और आपका बच्चा हिंदू धर्म बचाने जाएगा, उनका बेटा विदेश पढ़ने जाएगा और आपका बेटा राम मंदिर बनाने जाएगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इतिहास से नहीं पढ़ने दिया। मैं आपसे यह बात कहके जा रहा हूं कि शिक्षा मुक्ति का द्वार है, अगर आप शिक्षित नहीं करेंगे तो पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, क्योंकि गुलाम से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति केवल एक चीज है सकती है, शिक्षा, और शिक्षा ही सामाजिक न्याय है। अगर आज तथागत बुद्ध होते तो किस बात के लिए लड़ रहे होते? आज कबीर होते, आज तमाम लोग बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, आज अगर होते और देखते कि उनकी पीढ़ियों के लोग मंदिर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। शाहू जी ने 1902 में आरक्षण दे दिया था कि 50% आरक्षण गैर ब्राह्मणों को दे देंगे, उस दिन यह बात कही जाए कि तुमने 85% लोगों को कैसा बनाया कि 2018 में 13-point रोस्टर आ गया जिसमें आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया। तुमने कैसा देश बनाया जिसमें नई शिक्षा नीति लागू हो गई, उस देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ? जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, उन्होंने आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छीनी है, यह बात लोगों को समझाने की जरूरत है। 13-point रोस्टर किसके काल में आया जिसमें आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो गया था? पहली पीढ़ी के हम लोग हैं। मेरे इलाके में जाकर पूछिए, लोग कहते थे कि ये तमाम लोग जो बात बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि कोई कोई संसद में जाकर क्या करेंगे, वैसे ही संविधान लागू होने के बाद लोग कहते थे मैं विश्वविद्यालय टॉप किया, मेरे घर में पढ़ाने की हैसियत नहीं थी, खानदान जोड़ करके बाबूजी ने कह दिया कि बहुत जमींदार लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला बच्चा था जो घर के बाहर गया पढ़ने, 300 रुपए सालाना फीस न होती तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाता, और पढ़ाई की, मेहनत की, यूनिवर्सिटी टॉप की, तो हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने कहा कि अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके विश्वविद्यालय टॉप करने लगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अहिर हिंदू नहीं थे क्या? या जो आज हिंदू के नाम पर लड़ाते हैं उनसे पूछिए कि अहिर हिंदू नहीं है क्या? कुर्मी कोई नहीं हिंदू नहीं है क्या? भर कुमार लोहार नाई मोची निषाद मल्ला पासी और तमाम ये जाटव लोग क्या ये हिंदू नहीं थे? फिर
मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सारे हिंदू थे तो इस देश के 596 कुलपतियों में से केवल 6 कुलपति दलित, 6 कुलपति आदिवासी और 36 ओबीसी ही क्यों है? 550 कुलपति केवल एक ही जाति और तबके के क्यों है? 2019 तक इस देश के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 0 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों है? 9 प्रोफेसर केवल ओबीसी के हैं आज की डेट में। अब 85-52% आबादी प्रोफेसर है, 90% से ज्यादा इनके पद खाली है। कौन कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है? कौन आपको आगे कह दे रहा है कि आजमगढ़ का नाम बदलना है तो आजमगढ़ का विकास हो जाएगा क्या? नाम बदलने जाओगे तो इस मुल्क के हर एक दरो दीवार पर जब बात यह हो गई कि हिंदू हो या मुसलमान, दलित पिछड़ा एक समान, तो तुम किसके बीच में नफरत फैलाना चाह रहे? अली अनवर साहब ने जो संगठन बनाया उसी में एक हमारे प्रोफेसर खालिद अली संसारी, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है कि 300 से ज्यादा लिंचिंग जो हुई है उसमें सारे मारे जाने वाले लोग पसमांदा समाज के हैं, दलित पिछड़े मुसलमान है। तो दंगा कौन करा रहा है और दंगे में मारा कौन जा रहा है, ये दोनों आपको जानने की जरूरत है। 15% ब्राह्मण, 15% सैयद के साथ मिलकर के 85% दलित पिछड़े आदिवासी के बच्चों को दंगाई बना रहे हैं और एक दंगाई दूसरे दंगाई की हत्या कर रहा है और ऊपर बैठ करके मलाई कौन खा रहा है? इन देश के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में कौन लोग पढ़ रहे हैं? और इस बात के लिए हम चिंतित ही नहीं है। हम अचानक कोई आता और कहता है कि ओबीसी का सारा हक यादवों ने छीन लिया और हम मान लेते हैं यादव के विरोध में भाजपा की गोद में बैठ जाएंगे, यही सामाजिक न्याय? रीढ़ तनी न हो तो गुलामी सामने से दिखने लगती है। आपने किसके खिलाफ खड़ा होकर के किसको, अरे समाज जागरूक होता है ना तो नेता पैदा करता है और समाज जागरूक नहीं होता है तो नेता को गुलाम बना लेता है और नेता आज आपको गुलाम बना हुआ। और इसीलिए जब यह सवाल पूछा गया कि दलितों पे सारा आरक्षण यादवों ने, जाटवों ने छीन लिया, आदिवासियों का सारा आरक्षण मीनाओं ने छीन लिया, ओबीसी का सारा आरक्षण यादवों ने छीन लिया, तो इस देश में क्यों नहीं जाति जनगणना की बात होती, जो मेरी आज की बातचीत का आखिरी मुद्दा है? इस देश में सारी समस्याओं का अगर निदान कोई है तो जाति जनगणना, जातियों की गिनती हो जाए और तब पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है भारी, उसको दो उतनी हिस्सेदारी। और पसमांदा आंदोलन के लोग एक नारा और देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। कि भाई आपकी जिम्मेदारी है इस देश में जिस दिन दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान हिंदू एक हो जाए, क्या किसी की हिम्मत है दंगा करा पाने की? इस देश में दंगे रुक जाएंगे, जो बात अली अनवर साहब कहते कहते हिचक गए क्योंकि उनका नाम अली अनवर है, वो बात मैं कहके जा रहा हूं कि इस देश में गाय गोबर गोमूत्र के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो लोग आपको लड़ा रहे हैं वो लोग इस देश के सबसे बड़े विरोधी हैं, वो देशद्रोही हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, जिनके मुख्यालय पर कभी भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया, आज वो लोग आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, उनकी नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, दोनों आपस में लड़ाओ। एक हमारे यहां पंडित जी आए, देखिए मानसिक गुलामी क्या है, तुम चुटकुला सुना करके बात खत्म करूंगा। मानसिक गुलामी यह है कि एक बच्चा हमारे यहां खजूर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां चढ़ के नीचे देखा तो उसे डर लगने लगी कि हम नीचे कैसे उतरेंगे, हनुमान जी को मानता था, कहा कि हनुमान जी अगर नीचे सही सलामत उतर गया तो 1 किलो लड्डू आज मंगलवार चढ़ाऊंगा। थोड़ा हिम्मत मिली, थोड़ा ताकत मिली, आधा उतरा, कहा हनुमान जी बड़े गरीब घर से हूं, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ा और नीचे उतरा तो उसके बाद कहा कि आपके यहां तो बहुत लड्डू चढ़ता ही रहता है, 250 ग्राम चढ़ाऊंगा, उतरे में मान जाइएगा। और यह सब करते करते जब नीचे उतरा तो कहा आप भगवान है, आपसे क्या छुपा है, आज से मैं कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और मैं लड्डू। केवल इतनी ही मूर्खता हमारे घर में भर दी गई है। जिस दिन ये तर्क करने लगे कि कोई छोटा सा बच्चा सूरज कैसे निकल सकता है भाई, और ये हमारे धर्म की किताबों में लिख दिया, दुनिया भर में मनुष्य के पैदा होने का एक तरीका है और आपके यहां कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंगे से पैदा हो रहा है। जब पीढ़ियां अपनी मूर्खता की बनाई है तो लोग गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं।
हमारे यहां है, और ये ज्योतिबा फूले से जुड़ा हुआ किस्सा है। एक बहुत गरीब आदमी सर, वो चला गया पंडित जी के पास, लगाए यूएपीए, मैं तो ये चुटकुला सुनाते रहूंगा, गोरखपुर में सुना रहा हूं, लगाए यूएपीए, हमारे पुर के बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार इनके आकाओं से नहीं डरे तो हम लोग क्या इनसे डरेंगे क्या, और इनसे डर करके झूठ बोलेंगे, उनके घर में आके कहेंगे कि तुम झूठे हो, डोंगी हो, दंगाई हो, और हम तुम्हारे इस हिंदू राष्ट्र में शामिल नहीं। बाबा साहब ने बहुत पहले लिख दिया है कि अगर हिंदू राष्ट्र इस देश का सच बन गया तो यह सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र मानवता विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, इसलिए इस बात को कहने में हमें क्या डर है। तो वो गरीब आदमी चला गया पंडित जी के पास, उसने कहा बड़ी जीवन में तकलीफ है, तो पंडित जी ने गर्म पत्थर निकाला और उसने कहा कि शनि आपका ठीक नहीं है, आप शनि ठीक करा लो, आपकी ग्रह दशा ठीक हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा साहब क्या करना होगा, तो उसने कहा हवन कराना होगा। कहे कितना खर्चा आएगा, कहे हवन होगा 5,000 ब्राह्मण खाएंगे, 1,00,000 रुपया खर्चा होगा। ये वही देश है जहां किसी के घर मौत हो जाए तब भी महापात्र ब्राह्मण को गौदान करना पड़ता है, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ और जिस दिन निधन हुआ दोनों जगह कोई आपका दान लेके चला गया। और मुख्यता आज भी हम अंबेडकर साहब को ले जय भीम बोलेंगे और घर में जाकर के छठ मैया का व्रत बना लेंगे, ये हम लोग भी कर रहे हैं, बस इतना इशारा काफी। उस आदमी ने कहा कि हुजूर 1,00,000 रुपए तो नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा छोटी वाले हवन करा देता हूं, उससे थोड़ा ग्रह दशा ठीक हो जाएगी, तुम्हारे जीवन की तकलीफ कम हो जाएगी। उसने कहा कितना खर्चा लगेगा, तो कहने लगे 50,000 रुपया। तो कह नहीं साहब इतना नहीं है, पत्नी पीछे देख रही है, करवा लीजिए ना हवन, आपको और दिक्कत हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं। उन्होंने कहा 10,000 रुपया लगेगा, कुछ दिन के लिए शनि जी को ठीक कर देता हूं, उसके बाद जब पैसा हो जाए तो करा लेना। उसने कहा नहीं साहब इतना भी नहीं है। और आखिरी में पंडित जी कहे कि 1,000 रुपया दे दो, 1 हफ्ते के लिए शनि की ग्रह दशा ठीक कर देता हूं, पैसा हो जाएगा तो बड़ा वाला हवन करा लेना। तो उसने खड़ा होकर के कहा कि पंडित जी मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। पंडित जी गुस्से में खड़े हुए और कहे कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ऐसे लोगों को केवल शनि के नाम से डराया गया, मूर्खता पढ़ाई गई, धर्म के लिबास में हमारे घर घर पहुंचाया गया और हम बुद्ध फूले अंबेडकर परिवार से दूर हो गए। इसलिए आज शिक्षा रोजगार की चिंता तो कर रहे, मैं आपको बधाई देता हूं, इतने इतने समय तक आप हमें सुन रहे। यही बात कहकर जा रहा हूं कि अगर मैं शिक्षा और रोजगार के लिए नहीं लड़ पाए तो यह बुद्ध फूले अंबेडकर बिरसा मौलाना अब्दुल कय्यूम अंसारी जी, एजाज अली जी और अली अनवर अंसारी जी का जो ख्वाब है, जो बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार का ख्वाब है, वो ख्वाब पूरा होना तो छोड़िए, हमारी आंखों के सामने नस्तनाबूद हो रहा है। और पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तुम उस समय क्या कर रहे थे, जंगल में आग लगी, तमाम जानवर भागने लगे, चिड़िया नहीं उड़ रही थी, तो किसी ने चिड़िया से पूछा कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लगे पास, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास पलट के। उन्होंने जो जवाब दिया वो हर एक सामाजिक न्याय के योद्धा का जवाब होना चाहिए। फल खाए इस वृक्ष का गंदे की है पास, धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। आप छोड़ रहे हैं अपने समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, और उसके बाद उन चिड़ियों ने आग बुझाने के लिए एक एक बूंद पानी चोंच में भर करके आग पर डालना शुरू किया। फिर समाज पलट कर पूछा कि हंसने लगे तमाम पक्षी कि तुम्हारे एक चोंच पानी से ये जंगल की आग बुझी जाएगी क्या। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया पलटकर, यही मेरा आपके लिए कहना है कि उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरी एक चोंच के पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब जंगल और इसमें लगी आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा, इसलिए मैं आज ये काम कर रहा हूं। राम प्रताप जी के नेतृत्व में और तमाम सुधीजनों के नेतृत्व में आज जो यह आयोजन हुआ
वो उस जंगल में लगी आग में पानी डालने का एक काम हुआ है। एकजुट रहिएगा हम लोग। मैं भी कितने दिन तक तदर्थ प्रोफेसर हूं, थोड़ा लड़ाई बढ़ाइए कि आपके सारे मास्टर जितने तदर्थ है परमानेंट हो जाए, तो मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके कहूंगा यूपी में सारे लोग परमानेंट हो गए, अब मुझे भी परमानेंट कर दो। इसलिए आप लड़ाई बढ़ाइए, सारे प्रिंसिपल हैं लिखित परीक्षा कराइए। और यहां पर क्या हो रहा कि आप हाफ पैंट पहन करके जाइए तो आपको सब करा देंगे। लिखित परीक्षा होगी तो ज्ञान की परीक्षा होगी ना, चापलूसी की परीक्षा नहीं होगी। इसलिए आपके इस मांग से सहमत हूं। नई शिक्षा नीति कितना विध्वंसकारी है। बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे कि, और उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। हम तीसरी पीढ़ी के लोग, कुछ लोग राज कर भी रहे थे जिनकी गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र के लोग जिनको कोई नहीं पूछ रहा वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं क्योंकि गलतियां हमसे होगी। और राज करना छोड़िए, आज गोली भी मारे जा रहे हैं, आज जेल में भी आपके लोग हैं, आज कुछ लोग राज भी कर रहे हैं, बाकी लोग खामोशी से चुपचाप देख रहे हैं। हम खामोशी से बैठने वाले लोग नहीं, ना आप हैं। इसलिए आपने जो आमंत्रित किया मुझे, यह बात कह के जा रहा हूं कि आपके सामने जो चुनौती है वो इस बात की चुनौती है कि आपके सामने ही यह सब हो रहा है। अगर इसे होता हुआ देख करके खामोश रहे तो पीढ़ियां पूछेंगी कि जब यह सब हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। मैं गर्व से यह कह सकूंगा कि गोरखपुर में यूएपीए से डरे बिना हिंदू राष्ट्र के आतंक के खिलाफ शिक्षा और रोजगार के बहाने बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कय्यूम अंसारी के सपनों का भारत बनाने के लिए एक सम्मेलन हो रहा था, मैं उसमें शरीक था। और इस बात को कहने मुझे गर्व होगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।